पानसेमल के समीप ग्राम मेंद्राड़ा में नल जल योजना के तहत बन रही टंकी की छत टूट कर बिखर गई है। टंकी की जल सतह में भी गड्ढे हो गए हैं एवं टंकी की गोलाई की साइड की गैलरी भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। मेंद्राड़ा के ग्रामीणों का कहना है कि हमने पहले ही पीएचई के अधिकारियों को इस घटिया निर्माण से अवगत कराया था, लेकिन ग्रामीणों की पीएचई के अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद करीब 20 दिनों से अधिक छत निर्माण के पूर्ण होने के बाद मंगलवार की रात बारिश ने खटिया निर्माण की पोल खोल दी। बारिश के बाद पूरी तरह से पानी की टंकी की छत क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ठेकेदार व अधिकारियों द्वारा की गई लापरवाही से बड़ी जनहानि होने की संभावना अभी भी बनी हुई है। हाइट पर बनी साइड गैलरी के टुकड़े लकड़ी के सहारे पर लटके हुए हैं। ग्रामीणों द्वारा उक्त निर्माण को रोक दिया गया है और इसकी जांच की मांग की गई है। ग्राम मेंद्राड़ा में नल जल योजना की पानी की टंकी का निर्माण कार्य चालू है, जिसके अंतर्गत काम में बहुत ही भ्रष्टाचारी से काम किया गया है। पानी की टंकी की जो कालम न्यू के जो कालम है उसमें 6 सरिये से टंकी बनाई गई है। 8 mm के सरियों का यूज किया गया है। उसके बावजूद आज रात की जो बारिश हुई है उसमें उसकी साइड की जो छत है वो धस गई। तो ये भविष्य में टंकी कितनी मजबूती से काम किया है ये दिख जाता है। तो इसलिए आज निर्माण कार्य को रोक दिया गया है, जो कि पानी निकासी जो टंकी की पानी निकासी जो टैंक है वो भी पानी की टंकी के दो चारों कालम के बीच में दिया गया है। जो टंकी पानी निकासी का जो टंकी है टैंक, उसका पानी अगर नीचे अगर रिसता है तो वो टंकी ऐसे ही ढुल जाएंगी। आज जिसको देखते हुए आज हमने कार्य रोक दिया गया। जो अधिकारी पीएचई से आए थे उनको बोला, उन्होंने गाँव वालों के ऊपर रोप झाड़ना चालू कर दिया कि मेरे को पहचानते मैं कौन हूँ। अरे भाई तू कौन भी, हमको क्या लेना देना, पहले तो इसकी गुणवत्ता क्या है इसको चेक कर, तेरा काम है। उसके बावजूद भी वो लिपापोती करके निकल गया है, जो कि पीएचई अधिकारी इंजीनियर का नाम है गुप्ता जी, जो संधवा से आते हैं। उन्होंने टंकी का टैंक का जो निर्माण कार्य था वो रुकवा दिया और दूसरे दिन उनकी सेटिंग होने पर वो काम चालू हो गया। ये गलत किया इन्होंने। और साइट में आबादी है, वो टंकी अगर इधर उधर अगर ढुलती है तो जनहानि होने की खतरा है। टाइमेट के लिए पानसेमल से सतीश केवट की रिपोर्ट।